हाय, हेलो एंड गुड मॉर्निंग. वेलकम टू आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स. तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुकीज़ क्या होता है एंड कैसे हम लोग कुकीज़ को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर है उसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर. वीएस कोड को ओपन करने के लिए मैं राइट क्लिक करके सो मोर ऑप्शन करके ओपन विथ कोड करके मैं इसको ओपन करूँगा वीएस कोड में. और वीएस कोड में बेसिकली ओपन करने के बाद मैं सिंपली इसको गो लाइव करके सिंपली इसको मैं क्या करूँगा, लाइव कर दूँगा. ठीक है, तो मेरा सिंपली जो प्रोजेक्ट हुआ यहाँ पे स्टार्ट हो गया. इंस्पेक्ट करके मैं अपना कंसोल ओपन करूंगा. अब कुकीज होता क्या है यार, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में. तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हम लोग का डेटा था उसको हम लोग ब्राउजर पे स्टोर कर रहे थे. तो ब्राउजर पे स्टोर करने का डेटा को एक और तरीका होता है जो कि हम लोग कुकीज बोलते हैं. अगर आप कोई वेबसाइट पे अगर गए होगे तो वहां पे यार आपको एक प्रॉम्प्ट दिखता होगा जहाँ पे लिखा होगा कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज एंड वहाँ पे एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने का ऑप्शन आता है. तो ये होता क्या है यार, कुकीज होता क्या है. ठीक है, आप लोग कोई भी वेबसाइट पे जाके आप लोग सिंपली ये लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज. तो सिंपली आपको वो वेबसाइट पे क्या कुकीज बेसिकली है आप लोगों को वो क्या हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर शो करना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो सो ऑल कुकीज इन द कंसोल. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली कमांड लगाना है, लिखना है, या फिर मैं अलर्ट कर देता हूँ अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज. ठीक है, अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, या फिर मैं कंसोल लॉग भी कर देता हूँ. आप लोगों को कोई भी वेबसाइट जो भी आप लोग जाते हो और वहाँ पे एक्सेप्ट और कुकीज पूछता है, आप लोग वहाँ पे क्या कुकीज आपसे एक्सेप्ट किया जा रहा है आप लोग यहाँ पे उसको फाइंड कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज करके. डॉक्यूमेंट डॉट कुकी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपली रिलोड करता हूँ. तो जैसे मैंने यहाँ पे रिलोड कराया, यहाँ पे मुझे देखने को क्या मिल गया कि ये वेबसाइट पे बेसिकली क्या कुकी यहाँ पे पहले से है और यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो भी करने को मिल गया. ठीक है, अब यार ये तो आ गया कि क्या कुकीज यहाँ पे पहले से था. अगर मैं यहाँ पे पता करना चाहूँ कि कोई कुकीज को मैं इस पे राइट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसके लिए कमांड होता है बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट आप लोगों को कुकी ही लिखना है और इक्वल टू करके आप लोग लिख सकते हो एज अ स्ट्रिंग में. एज अ स्ट्रिंग में आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है नेम इज इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू त्रिभुवन शर्मा. और इसको सिंपली मैं इंटर कर दूंगा. तो यहाँ पे जो मेरा डॉक्यूमेंट कुकीज है वहां पे बेसिकली नेम इज इक्वल टू त्रिभुवन शर्मा ये ऐड हो जाएगा. अगर मैं इसको लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और मैं सिंपली इंटर करूँ तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू त्रिभुवन शर्मा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे जाके राइट हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे यार आप लोगों को ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, तो ऐसा नहीं होता है कि ये पुराना जितना भी कुकी है वो क्या हो जाता है, हट जाता है और कोई नया कुकीज सिंपली जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे ऐड हो जाता है. तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कुकी के साथ ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे कुकीज जब आप लोग यूज करते हो तो यहाँ पे बेसिकली जब भी आप लोग कुछ इस तरीके से लिखते हो तो वो ऐड होता है. ये नहीं कि पूरा का पूरा कुकीज इरेज होके ये नया वाला उसमें वैल्यू शाइन हो जाता है. ठीक है, तो ये बेसिकली कुकीज होता है यार. तो इस तरीके से यार आप लोग कुकीज का यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाकी जो जावास्क्रिप्ट कोर्स है हम लोग के चैनल को भी तुरंत उस पर जाके फॉलो कर लेना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो.